चोर नहीं है मैं क्या करूं। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से आपको ये गाड़ी मैंने लिया, जैसा आपको मालूम है, तो आज इस गाड़ी की मैं थोड़ी सी डिटेल दूंगा। ये गाड़ी है टाटा जेस्ट 2016 का मॉडल है, अक्टूबर मंथ का, और 22 के ये सिर्फ चली हुई है। गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, मतलब जैसा मैंने एक्सेप्ट किया था उससे भी अच्छी गाड़ी है ये। एवरेज के बारे में मैं भी आपको प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं नया नया ड्राइवर हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसके बारे में, एवरेज के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, वो मैं थोड़े टाइम के बाद बात करूंगा। लेकिन इतना बताऊंगा कि कंपनी जो आपको बताती है पर किलोमीटर 17 पर लीटर के हिसाब से, मतलब 17 किलोमीटर एक लीटर में चल जाएगी है। लेकिन जब मैं ये गाड़ी को चला रहा हूँ तो मुझे करीब अभी 12 से 13 किलोमीटर दूर का एवरेज मिल रहा है, या उससे भी कम मैं बोल सकता हूँ। लेकिन बिकॉज क्योंकि मैं अभी एक अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, तो उस हिसाब से कभी पहले गियर में गाड़ी चल रही है, कभी दूसरे गियर में, और मैं एसी के साथ में चला रहा हूँ। जब मैं एकदम बेहतरीन तरीके से गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा तो मैं वो टाइम पर पहले पूरी गाड़ी क्लीन करूंगा, मतलब एम्प्टी कर दूंगा पूरा इसका फ्यूल टैंक, और उसमें सिर्फ 1 लीटर तेल डालूंगा, और जब रोड पर चलाऊंगा तो मुझे प्रॉपर पता चलेगा कि इसका एवरेज क्या होता है। और गाड़ी लेने से पहले मैं बहुत ही कंफ्यूज था, और सबसे पहले मैं आप लोगों को ही थैंक यू बोलूंगा कि क्योंकि यार ये सबके प्यार की वजह से ये मुझे गाड़ी मिली है। तो गाड़ी में ये सेडान गाड़ी है टाटा की जेस्ट, जो एक बहुत, मतलब टाटा की गाड़ी की मैं बात करूँ तो टाटा की गाड़ी वैसे भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है जब हम गाड़ी लेने की प्लान करते हैं, जब हम गाड़ी लेने की सोचते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। मतलब गाड़ी लेने से पहले एक महीने तक मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, लेकिन जो भी गाड़ी मैंने लिया, गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं इसके साथ एकदम मस्त हूँ। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस तो मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज मुझे खुद को ही नहीं पता है, लेकिन अभी इसके एडवांटेजेस मैं कुछ आपको बता दूंगा। अभी गर्मी का अच्छा खासा टाइम है, लेकिन मैं इसको 2 पॉइंट पर रखता हूँ और गाड़ी एकदम ठंडी हो जाती है। मतलब 4 पॉइंट पे तो मैं चलाता ही नहीं हूँ, और 3 पे तो एकदम चिल्ड हो जाती है, 4 पे तो मैंने चलाया ही नहीं। तो गाड़ी की एसी बहुत अच्छी है, और गाड़ी में सेडान वाला फील आता है, लेदर के सीट कवर है, और मतलब बहुत ही एकदम फ्री गाड़ी चल रही है। पिकअप बहुत अच्छा है, गियर वेयर, मतलब मैं 10 दिन में ही इसको बहुत अच्छे से चलाना सीख गया हूँ। गाड़ी में स्पेस की बात करूंगा तो मैंने पहले जो गाड़ी डिसाइड किया था, पोलो और एक स्विफ्ट डिजायर, उसमें स्पेस बहुत कम था, मतलब बूट स्पेस पीछे वालों को तो मिलता ही नहीं था, लेकिन इसमें बूट स्पेस बहुत अच्छा खासा दिया है। अभी मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा। देखिए, जब मैंने गाड़ी लिया, मैंने इसमें अभी तक 1 रुपया भी नहीं लगाया, मतलब ऐसी की ऐसी लिया हूँ, बस मैंने सिर्फ ये इसमें लगाया था, ये भी मुझे कंपनी वालों ने लगा के दिया, मतलब जिससे जहां से मैंने लिया शोरूम से। इसको हम लोग बोलते हैं बम्पर गार्ड, मतलब बम्पर गार्ड ये होता है, इसको सिलिकॉन बम्पर गार्ड है, इससे गाड़ी खूबसूरत बहुत लग रही है। बाकी तो इससे सपोर्ट होगी कि नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन इससे खूबसूरत बहुत लग रही है। और यहाँ से ये इसका टाटा का लोगो है, जो इसका जो ये क्रोमियम है ये भी बहुत खूबसूरत है, मतलब एकदम बहुत चमकता है। और यहाँ पर इसका ये बम्पर है, ये बम्पर है, बम्पर ये हमेशा खराब हो जाता है, मुझसे उम्मीद है कि अगर कभी कुछ स्क्रैच भी आएगा तो सबसे पहले बम्पर पर ही स्क्रैच आता है, लेकिन इसका बम्पर भी बहुत प्यारा है। और इधर से आओ, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ पूरी। ये इसके यहाँ पर साइड में जो इसके ग्लासेस हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया दिए गए हैं। और यहाँ पर इसके क्रोम कलर के ये हैंडल है, दरवाजा खोलने बंद करने जिन्हें भी लेना। और पीछे से इसमें यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, ये टायर के हिस्से से, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, इसके ऊपर ब्लैक टायर के ऊपर ये लगाया गया है। यहाँ पर ये पेट्रोल गाड़ी है, मैं यहाँ पर पेट्रोल लिखाने वाला हूँ, जिससे कि कभी भी, मतलब मैं बहुत बार गया था पेट्रोल पंप पर, मुझसे लोगों ने पूछा कि भाई कौन सा पेट्रोल डालना है कि डीजल, तो मैं यहाँ पर पेट्रोल लिखाऊंगा बहुत अच्छे से। अगर पीछे की बात करूँ तो गाड़ी में वो जो मैंने बम्पर गार्ड आगे लगवाया हूँ, वही बम्पर गार्ड यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये गाड़ी की थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ा रहा है। और लेकिन ये जो कैमरा दिया गया है, जैसे ही बैक गियर डालते हैं तो ये चालू हो जाता है, और बड़े ही आसानी से हम लोग, इसमें इंडिकेशन भी आता है रेड कलर में और ग्रीन कलर में, तो ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पीछे होता है जब वो रेड कलर में आ जाता है तो मालूम पड़ जाता है कि भाई हम लोग करीब में आ चुके हैं। तो मतलब अगर कोई बंदा हमारे साथ में भी नहीं है पीछे बताने के लिए, तो हेल्प हो जाती है।
और यहाँ पर ये मैंने अलग से लगवाया हूँ, इस पे ये एक्सी मॉडल पे नहीं था, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझको, मैंने जो फोटो में देखा तो ये मैंने लगवा लिया हूँ, लेकिन ये उन लोगों ने लगा के दिया है शोरूम वालों ने। और इसकी लाइट जो है ये भी लंबी लंबी है, और यहाँ पर इसमें मैं भी आपको डिग्गी खोल के दिखाता हूँ, इसका एक स्पेस जो दिया गया है इसके अंदर वो भी बहुत खूबसूरत है टाटा जेस्ट के अंदर। डिग्गी खोलने के लिए वहां से ड्राइवर जहां पर बैठता है वहां पर भी स्पेस दी गई, और यहाँ से आप की से भी खोल सकते हो। देखो ये इसका बूट स्पेस है, ये इसका डिग्गी है, इसमें बहुत जगह है, ये देखेंगे आप तो। मैं इसको नीचे, इसका कवर है, इसको मैं नीचे निकाल के रख देता हूँ, आप इसमें देखिए। मैं थोड़े टाइम पहले अभी खरबूजा और तरबूज लेने गया था प्लेस पर, वहां से दो गोनी भर के लेके आया था, वो बड़े ही आसानी से इसके अंदर आ गई थी। यहाँ पर इसमें ये अपना भी ऊपर चला जाता है, तो इसको पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, और स्पेस अच्छी खासी है, मतलब एक बंदे को इसके अंदर डाल सकते हैं जरूरत पड़े तो, और बहुत सामान आ जाएगा। ये कितने लीटर का है वो भी बराबर पता नहीं है। और इसके नीचे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, इसके नीचे तो, इसके नीचे इसको अगर मैं ऐसा उठाता हूँ तो यहाँ पर इसका एक स्टेफनी है अलग से, और उसके लिए कुछ औजार भी है, ये मतलब ये खोलने का किस से क्या खोलना है, तो ये मतलब अच्छी स्पेस दी गई है इसके अंदर। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, ये जो दिया गया है ना यहाँ पर, ये जो दो रोड आप देख रहे हो, ये सपोर्ट के लिए दिया गया है, कि किसी वजह से कोई चोट वगैरह लगती है तो ये सपोर्ट कर दे उसको, मतलब ये मजबूती के लिए बना दिया गया है। देखिए इसके रूफ के लिए भी सपोर्ट है, अच्छी स्ट्रोंग सपोर्ट बना के दी गई है। आप लाइटें देखोगे तो लाइटें भी इसकी बहुत ही बढ़िया है, मतलब जब रात को गाड़ी चलती है तो धूप खिला देती है। यहाँ पर इसमें मैं फॉग लैंप अलग से लगवाऊंगा, शायद जो इसका टॉप मॉडल है उसमें फॉग लैंप जो होता है वो लगा हुआ आता है, लेकिन ये मैं इसमें लगवाऊंगा, यहाँ पर फॉग लैंप लगवा दूंगा बाद में। और गाड़ी का टायर भी इसके अच्छे हैं, टायर मतलब बड़े बड़े टायर हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात बताता हूँ यार, मतलब इसका जो ग्राउंडिंग है ना, जो नीचे से ग्राउंड स्पेस है वो बहुत ही बढ़िया ग्राउंड स्पेस है, बिकॉज मैं इसको नदी में लेके गया था, मतलब जब मैं थोड़े टाइम पहले ना एक जगह गया था जहां पर वो वाटर मेलन की खेती होती है, तो मैं इसको नदी के अंदर ही उतार दिया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। मतलब इसका ग्राउंडिंग स्पेस बहुत अच्छा है, मतलब खड्डों वड्डों में भी तुम इसको आराम से चला सकते हो, लेकिन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, लेकिन इसका जो ग्राउंडिंग स्पेस है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो गाड़ी को अगर मैं इसको पॉइंट दूंगा तो 5 में से 4.9 दूंगा, 5 पूरा इसलिए नहीं दूंगा कि क्या पता कुछ बाद में भी मुझे मालूम पड़े, अभी तो सिर्फ ये 20 दिन का एक्सपीरियंस है। अभी मैं आपको ये गाड़ी अंदर से दिखाता हूँ, अंदर से इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए ये इसका गेट है, जैसे गाड़ी का दरवाजा खुलता है तो यहाँ पर जेस्ट गाड़ी का ये लोगो जब दिखता है ना जलता हुआ, इसको थोड़ा करीब से दिखाओ जेस्ट, तो ये रात में भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है, अभी दिन का टाइम है तो बराबर नहीं दिखे शायद। अभी यहाँ पर हम बैठेंगे और यहाँ पर इसमें अंदर इधर इधर देखेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत कंपनी के साथ में इसमें ये मैट डाल के दिया है, कपड़े का मैट है जो इसको बहुत ही बढ़िया फील कराता है, मतलब पैर रखने के लिए, और एक इसके ऊपर कंपनी का ये फुट मैट पड़ा है। उसके बाद में यहाँ पर स्पेस दिया गया है इसमें सामान रखने के लिए, डोर में यहाँ पे अच्छा खासा बहुत स्पेस है, मतलब बहुत सारा सामान रख सकते हो, एक मास्क पड़ा है अभी, और ये है डोर हैंडल। यहाँ पर ये जो ग्लास है इसको, ये पावर विंडो है, तो पावर को अप डाउन करने के लिए ये इसका लॉक दिया गया है खोलने के लिए। ये जो आप देख रहे हो ग्लास को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है, मतलब जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पीछे के देखने के लिए अंदर से ही हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है ये एसी अप डाउन करने के लिए, एसी का है, और यहाँ पर है ये एक अच्छा खासा स्पेस जिसके अंदर आप काफ़ी सामान रख सकते हो, यहाँ पर कागज रखने के लिए भी स्पेस दी गई है, एक अच्छी स्पेस दी गई है। यहाँ पे इसमें ये हैंडल लॉक है, ये भी बढ़िया है, और यहाँ पर है इसका ये गियर, और यहाँ पर दिया गया है मोबाइल वगैरह चार्ज करने का, इसका वो होल्डर लेना पड़ेगा, वो इसके अंदर मैं जब लगा दूंगा तो मोबाइल फोन वगैरह हम लोग बड़े ही आसानी से यहाँ से एसी का, इधर भी एसी दी गई है, इधर भी एसी दी गई है, इधर भी एसी दी गई है, पैरों में भी एसी दी गई है। अब यहाँ से आपको एसी कहाँ पर चालू करना है, फेस के ऊपर एसी डालनी है, मिडल में डालनी है, पैरों पे डालनी है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, पॉइंट दिया गया है। हीटर चालू करना है तो आप इसको रेड पर क्लिक कर सकते हैं, और एसी चालू करनी तो ग्रीन पर क्लिक कर सकते हैं। ये गाड़ी के अंदर दो मोड दिए गए हैं ड्राइवर के लिए, एक मोड है इको मोड और एक मोड है स्पोर्ट मोड। इको मोड में आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा और स्पोर्ट मोड में आपको गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आप इको मोड में गाड़ी आप चलाते हैं तो आपको पेट्रोल भी आपका थोड़ा सा बच जाएगा। अगर मैं गाड़ी के सीट कवर की बात करूं तो लेदर के सीट कवर हैं जो बहुत ही बेहतरीन है,
गाड़ी के अंदर ये जो यहाँ पर सनलाइट से बचने के लिए दिया गया है, इसमें यहाँ पे ग्लास भी दिया गया है। गाड़ी में स्पेस तो इतना है ना भाई, ये टाटा जेस्ट में बहुत स्पेस है, स्पेस की कोई कमी नहीं है गाड़ी में। अगर ये देखो इतना स्पेस है पीछे, रेस्ट करना है तो बड़े ही आराम से आप इसमें रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो। और सामने भी जगह बहुत है भाई, इधर से आके सामने की जगह दिखाओ, मतलब बंदा पूरा लेट सकता है। देखो ये पैर मेरे देखो कहाँ पर है, सब हो गए, मतलब बड़े ही आसानी से दो बंदे सो सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, आपके साथ में एक बंदा है या एक बंदी है, तो वो बड़े ही आराम से लेट के जा सकती है, आपके साथ सफर कर सकती है। गाड़ी की एसी भी बहुत खूबसूरत है, तो कभी कभी तो होटल का काम कर देगी गाड़ी। गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है यार, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी का रिस्पांस अच्छा है। और टाटा वालों को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ या टाटा जेस्ट गाड़ी की तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ है वो बता रहा हूँ, गाड़ी में बहुत मज़ा है। ये गाड़ी स्पेसियस गाड़ी है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी गाड़ी इतनी स्पेस देती होगी। गाड़ी बहुत ही आराम दे रही है, मतलब चलाने में सीट भी एकदम कम्फर्टेबल है। मेरी हाइट 6 फुट ही समझ लो आप, आधा इंच कम है, तो 6 फुट के बंदे को भी गाड़ी चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी गाड़ी को पीछे रखता हूँ, लेकिन मेरे जो भाई हैं उन लोगों की थोड़ी सी हाइट कम है, तो वो लोग सीट थोड़ी सी आगे कर लेते हैं, लेकिन 6 फुट के बंदे को भी देखोगे तो तुम स्पेस बहुत ज़्यादा मिल रही है। अब मैं आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ गाड़ी में पीछे भी कितनी स्पेस है। देखो मैंने गाड़ी एकदम पीछे करके रखी है वाली सीट, फिर भी मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा कि आगे इधर कितनी गाड़ी आ रही। भाई इधर से आ जाओ, इधर से देखो, मैंने आपको दिखाया कि मैं पीछे 6 फुट का बंदा था, मेरे पैर तो भी बोनेट पे नहीं थे उधर। अब मैं इधर बैठता हूँ, देखो ये देखो मेरे, ये देखो लेग रूम कितना है इधर, कितना स्पेस है, और मैं इधर बैठा बड़े ही आसानी से। अगर मैं फैल के भी बैठता हूँ, मतलब ऐसा भी, तो देखो इतना तो भी मेरे पैर बच रहे हैं, देखो मैं कैसे बैठा हूँ। तो गाड़ी में बहुत स्पेस है, इधर देखो। अगर लेट के बताने की बात है तो हम लोग इसमें ऐसा बड़े ही आराम से लेट सकते हैं, ये बहुत आसानी से, मतलब गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी खासी स्पेस दी गई है। यहाँ पर सामान रखने की स्पेस दी गई है, गाड़ी एकदम बेहतरीन है। अब मैं इस गाड़ी का आपको म्यूजिक बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो चारों विंडो के अंदर यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है। ये जो ये तो आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये स्पेस आपका स्पीकर लगा हुआ है। यहाँ पर एक स्पीकर इधर है, एक स्पीकर इधर है, चारों की चारों विंडो में आपको स्पीकर लगे हुए हैं। तो अभी इसके अंदर मैंने बूफर रखवाया भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैं बूफर रखवाने वाला हूँ, और उसके बाद इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन जो स्पीकर इसमें अभी भी लगा हुआ है, वो भी कंपनी के लगे हुए हैं। विदाउट बूफर के मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ एक बार। आरिफ भाई पहले आप एक काम करो, अपना मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करो, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, आ जाओ। देखो इसकी सबसे अच्छी की क्वालिटी बताऊंगा ये गाड़ी की। ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी में आवाज ही नहीं है मेरे भाई, गाड़ी स्टार्ट है ये, गाड़ी में आवाज ही नहीं है। विंडो अगर बंद कर दूंगा ना, तो जितनी आवाज है वो भी नहीं है। देखो ये मैंने गाड़ी की विंडो बंद कर दिया, तो अभी तो बाहर की गाड़ी की आवाज आपको आएगी नहीं, और गाड़ी स्टार्ट भाई म्यूजिक चला के दिखाओ भाई जरा। बंद करो म्यूजिक, बंद करो। आपने म्यूजिक सुना गाड़ी का, चारों विंडो में जो है इसकी, चारों विंडो में इसका स्पीकर लगा हुआ, बहुत ही मस्त आवाज आती है। मैं ये बता रहा था अभी मैंने गाड़ी में एसी चालू की है, 3-4 सेकंड नहीं हो रहे, गाड़ी बस ठंडी होने वाली है, मतलब 2 मिनट में गाड़ी फुल ठंडी हो जाती है। यहाँ पर इसमें पॉइंट दिए गए, कैमरा थोड़ा नजदीक ले लो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अभी मैंने जो ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे करके रखा हूँ, गाड़ी का मतलब एसी एकदम मस्त है। मैं जैसे इसमें बैक गियर डालता हूँ ना, देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लच दबा के ए बैक गियर डाल रहा हूँ, देखो इधर देखो मेरा हाथ भी दिखाओ साथ में, है ना, तो जैसे ही मैंने बैक गियर डाला तो देखो पीछे का आ जाता है, तो कितना क्लियर है पीछे का पूरा। और कभी कभी क्या होता है कि अगर डस्ट अब कैमरे पे बैठ जाती तो ये कभी कभी साफ नहीं दिखता है, अदरवाइज एकदम क्लियर दिखता है। अभी मैं गाड़ी को फिर से न्यूटन कर रहा हूँ। ओवरऑल की बात करूंगा ना मैं, तो यार गाड़ी मुझे ये सच में बहुत पसंद आई है, मतलब बेहतरीन गाड़ी मुझे जैसी चाहिए थी वैसे ही मिली है। तो किसी को और भी कुछ डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन यार
ये मेरी पहली गाड़ी है, बस इतना बोलूंगा, लेकिन आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस कार। आई होप कि तुमको ये वीडियो से थोड़ा बहुत पता चला होगा, तुमको समझ में आया होगा ये कैसी है गाड़ी, या और कुछ आपका कुछ आप पूछना चाहेंगे तो मुझसे बिंदास पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो आप ये बटन देख रहे हो, ये देखो इस पे ये जो कार का सिंबल है उससे डिग्गी खोल जाती है ऊपर उठाने से, और ये जो पेट्रोल का है तो इसे पेट्रोल पंप का वो जो वहाँ पे बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर जो ये स्पेस दी गई है इससे सामने वाला बोनट खुल जाता है, और ये रेस गियर के लिए सिस्टम है। गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, गाड़ी मतलब बहुत ही प्यारी लगती है देखने से। अरे भाई पकड़ो इसको एक मिनट। तो गाड़ी का ओवरऑल बस मैं इतना ही बताऊंगा, गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, मतलब एकदम मस्त गाड़ी है, और सीट कवर एकदम वीआईपी वाला फील है, मतलब जो महंगी महंगी जो 18-20 लाख रुपए की गाड़ी है उसके जैसा फील आता है मैं सारी गाड़ियों में बैठा हूँ। तो आई एम वेरी मच हैप्पी। आई होप कि दोस्तों तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी, और गाड़ी में अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक करें, कुछ भी डाउट है तो पूछें। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच, देखते रहें फाइन व्लॉग, और कुछ पूछना है तो पूछें, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। चलो भाई अभी इवनिंग का टाइम था, मुझे तो लगा था बारिश होने वाली होगी, लेकिन बारिश तो हुई नहीं है। बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का, एकदम खूबसूरत। अभी हम लोगों का यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, और ये नहर का किनारा और उधर गाड़ी, मतलब एकदम मस्त यहाँ पर सिचुएशन मिली है, और बहुत मज़ा आया है यहाँ पर वीडियो बनाने में अपने को। और इन लोगों की गाड़ी बंद हो गई, देखो स्टार्ट होगी कि नहीं पता नहीं अभी। तो अब देखते हैं इन लोगों की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे, इतने सारे हम लोग आए थे, बच्चे बहुत सारे थे यहाँ पर हमारे साथ में, सबको मैं घुमाने आया था। फिर चलाओगे तुम? नहीं पापा, तुम फिर जाते हो कल में बैठ गए। अच्छी बात है, इधर नहर है इसमें, लेकिन अभी फिलहाल पानी नहीं चल रहा है। जब इसमें पानी चलता है तो जितनी भी खेती यहाँ पर होती है ना आजू बाजू में, पूरा खेती का है, उधर आम के बाग हैं, गन्ने की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, तो इससे भी बहुत अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाती है। वहाँ पर भी आम अभी छोटे छोटे हैं, आम का मौसम है, छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। अभी हम लोग बहुत घूम चुके हैं, बहुत इंजॉय कर चुके हैं, इधर सारे बच्चों को घुमा चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर के लिए।